Uh, सबसे पहले जो एम सी की उसकी तरफ चलते हैं 151 है डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर सर्वर जो होता है वहां पे डाटा स्टोर होता है हमारा तो फाइल सर्वर वो होगा जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स मूवीज क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का फाइल्स के साथ हो रहे हैं फाइल्स इमेजेस फोटोग्राफ्स को रखते हैं उसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं उसके बाद वन फिफ्टी टू है विच ऑफ दूसड इन रैम रैम के अंदर यानी बोलते हैं एक्सेस मेमोरी को इसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर uh, इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद 153 है प्रोसेस ऑथेंटिक uh, आपने सुना होगा ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं यानी का ऑथेंटिकेशन के साथ होता है उसके बाद 154 है हमारे पास विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग में जो इस्तेमाल होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है डेटा है एड्रेस है सर्च इंजन है या नन ऑफ दीज है तो ये एड्रेस है क्योंकि डब्ल्यू 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 इसमें वेबसाइट एड्रेस होता है और सर्च इंजन गूगल है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 156, FDD उसके बाद 157 है BCD, Binary Coded Decimal. BCD बोलते हैं Binary, Binary Coded Decimal को उसके बाद है uh, यानी पीसी बोलते हैं personal computer को तो उसकी uh, जो वर्ड लेंथ है वो कितनी होती है एट बिट्स uh, उसके बाद हमारे पास है uh, 159 है अगर हम वन फिफ्टी नाइन को देखें तो वी एल एस आई स्टैंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन इसको हम जो है वो बोलते हैं उसके बाद यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है यू एन आई वी ए सी ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको हम कहते हैं उसके बाद अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन uh, है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की देखिये कंपाइलर क्या होता है ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कि इंटायर प्रोग्राम यानी मुकम्मल कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम को एक वक्त में जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट जो कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज यानी एक प्रोग्राम को आ, या एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन uh, लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो इंटरप्रेटर होता है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कम्पायलर uh, की तो ये इंटायर प्रोग्राम को इन दोनों को आपने इन दोनों का डिफरेंस याद कर लेना है कि कंपाइलर जो होता है उसके अंदर इंटायर प्रोग्राम होता है और जो इंटरप्रेटर होता है उसके अंदर सिंगल यानी वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसको वो मशीन लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है उसके बाद वन है व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन टू बाय व्हाट्सएप दो में फाउंड हुआ और किसने किया uh, ये ब्रेन एक्टन और जैन uh, कॉम

फाइल एलोकेशन टेबल एफ फाइल एलोकेशन टेबल को बोलते हैं हम है इंक्रिप्शन बार बार, इनकोड करना ये जो है वो इंक्रिप्शन कहलाता है इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इंफॉर्मेशन इन टू एन अनरीडेबल फॉर्म यानी जिसमें वो समझ समझा ना जा सके उसको रीड ना किया जा सकता उसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं उसके बाद आपको पता है फंक्शन कीज का अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक जितनी भी फंक्शन कीज हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं कि एफ वन किसके लिए इस्तेमाल होता है एफ टू किसके लिए इस्तेमाल होता है एफ सेवन किसके लिए जैसे लास्ट भी अभी लेक्चर आर के पेपर में एफ सेवन दो से तीन पेपर से में रिपीट हुआ है कि एफ सेवन किसके लिए इस्तेमाल होता है तो ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए होता है बहरहाल ये जो कीज होती है टॉप ऑफ कीबोर्ड कीबोर्ड के ऊपर जो कीज होती है एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं वन uh, की बात करें या नॉर्मल सीडी रॉम सीडी रोम बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी इसको सीडी रोम कहते हैं इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है ये सिक्स एटी एम बी इसमें डाटा स्टोर हो सकता है उसके बाद 173 है विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर्स क्योंकि ये वेबसाइट से क्वेश्चन अगर उठाया जाता है पीपीएससी में तो उसकी जो उसका जो कीवर्ड की uh, होती है वो भी उन्होंने सेम रखी होती है तो इसलिए चूंकि वेबसाइट से उठाया है तो एचपी हम लिखेंगे वैसे एप्पल uh, जो है वो विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर्स करेक्ट आंसर एच है उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क जो होती है स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें डाटा स्टोर किया जाता है तो उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस का आपको पता है कौन कौन सी होती हैं जिसमें हमने पढ़ा भी था इनपुट डिवाइसेस के अंदर के पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं जिनमें माउस जोएस्टिक जो होती है माउस है कीबोर्ड है ये सारी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं उसके बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है डाटा का वो बिट होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिंट इनपुट

जो ऑनर है मार्क अकबर्ग वो फेसबुक का है और बिल बिलगेट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है उसके बाद अगर हम बात करें अः हमें पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो तीन तरह के होते हैं जिसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क है एक वाइड एरिया नेटवर्क है और तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इन तीनों की एबडिवेशन आ जाए तब भी आपने इनको जो है वो याद कर लेना है कि ये तीनों होते क्या है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो अभी यहाँ पे हमने ये इसको आइडेंटिफाई करना है इन तीनों को आपने पढ़ लेना और ये तीनों एमसीक्यूज़ आपको आ, मिलेंगे अच्छा अब इसमें सवाल क्या है हमारे पास के नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड इज़ कार्ड वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात करूं तो लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल के अंदर हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है कैंपस के अंदर हो सकता है यानी स्मॉल एरिया विद इन अ लिमिटेड एरिया होता है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लिमिटेड होता है uh, उसके बाद अगर वैन की बात की जाए तो वैन की डेफिनेशन हमारे सामने मौजूद है कि वैन uh, जो होता है वो क्या होता है वैन के अंदर जो एरिया होता है वो सिटी भी हो सकता है कंट्री है बियॉन्ड और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो उसके अंदर वर्ल्ड वाइड आ जाता है तो ये तीनों जो कंप्यूटर की नेटवर्क हैं ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेने ये जो बाकी एमसीक्यूज हैं ये भी जो है वो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर मौजूद होंगे या जब भी जो है वो आएगी वीडियो अच्छा इसमें आप दोबारा देख लें नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया सिटी कंट्री वो जो है वो वैन कहलाता है वैन बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क हो लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद जो विद इन स्मॉल एरिया होता है और मैन वर्ल्ड वाइड इसको हम बोलते हैं और इसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया भी आ सकती है Uh, उसके बाद अगर हम बात करें यानी जियोग्राफिकल uh, जियोग्राफिक रीजन की हम बात करें तो उसके अंदर आ जाता है तो ये तीन आपने याद रखने हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो बार बार ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है वो इससे प्रीवियस एमसीक्यूज में आ चुकी है नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया कंट्री सिटी वो हमारे पास वैन है यानी वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क विद इन सिटी विद इन स्मॉल एरिया होता है यूनिवर्सिटी कैंपस है कॉलेज है घर है ऑफिस है मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसके अंदर जियोग्राफिकल रीजन आ जाता है यानी पूरी दुनिया भी आप कवर कर सकते हैं उसके बाद है फाउंडर ऑफ तो यहाँ पे जिमी यह वेल्स है जिमी लिखना था स्पेलिंग मिस्टेक है जिमी वेल्स जो है वो फाउंडर ऑफ विकीपीडिया है फिर हमने बात की थी जे इसको बोलते हैं ज्वाइंट फोटो ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप एक्सटेंशन यूजली रेफर्स टू वच सॉरी वच काइंड ऑफ या वट काइंड ऑफ फाइल तो ये इमेज फाइल देखिए आप जीपी आप कहते हैं जेपी में कन्वर्ट करना जब पीपीएसी में अप्लाई करते हैं तो जे में जे uh, में इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना होता है पिक्चर को फिर हाँ, वो अपलोड होती है लेस देन 25 के भी तो उसका तालक इमेज के साथ होता है MCQs जब आप रीड करते हैं तो आधा आंसर आपको अगर आप अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को रीड कर लें तो उसी में आपको मिल जाता है तो ये इमेज फाइल के लिए इस्तेमाल होता है हॉटमेल इन एंड देन सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट तो शबीर भाटिया जो था उसने हॉटमेल नाइनटीन में जो है वो बनाई थी उसको फाउंड किया था और उसके बाद उसने माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर गेट्स हैं कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अब कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमल होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो इसमें ए और बी बोथ होगा इन कंप्यूटर सिस्टम वर्ड ओ ओ ओ टी 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 यानी किसके लिए इस्तेमाल होता है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बी टी वर्ड यूज होता है ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द जितनी भी फाइल्स हैं कंप्यूटर में वो जो अगर डिलीट कर दी जाए तो वो कहाँ पे स्टोर होती हैं हम सबको पता है रिसाइकल बिन के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं वहां से हम उनको री के मकसद के लिए भी डाउनलोड यानी दोबारा यूज कर सकते हैं विंडो टू थाउजेंड सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर अब देखें हार्डवेयर को कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स की जरूरत होती है उसके बाद अब प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू सच एस गूगल याहू, हु कार्ड उसको हम ब्राउजर कहते हैं उसको ब्राउजर कहते हैं ब्राउजर जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस अगर हमने कोई भी चीज सर्च करनी तो उसके लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टूगेदर इस कार्ड अब देखिए नेटवर्क की डेफिनेशन आ गई

Uh, जो है वो आपने देख लेना है वो अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी उसके बाद मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है मेट्रोपोलिटन जियोग्राफिकल यानी पूरी दुनिया के लिए होता है की बोर्ड यूज एज इनपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं uh, उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन बार बार रिपीट होगा एमसीक्यूज बार बार आपको जो है वो वर्डिंग चेंज करके कहेगा बात एक ही है मॉडर्न इसका आंसर है कि कोई भी वो डिवाइस जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का ताल्लुक मॉडर्न के साथ होता है विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्च इंजन देखें गूगल याहू ये सारे जो है वो सर्च इंजन है यूट्यूब एक सर्च इंजन नहीं है यूट्यूब पे आप डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स को सर्च नहीं कर सकते तो जो है वो सर्च इंजन नहीं है आपने क्या करना है कि जितने भी इस क्वेश्चन में जब ये 800 कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपने इनको इस तरीके से तैयार करना है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रिंट कहलाता है जहरी बात है हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो वो जो है वो सॉफ्ट uh, कॉपी और हार्ड कॉपी का जो है वो प्रिंट की सूरत में ही हमें रिसीव होती है इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है सर्च इंजन बिल्कुल नहीं है इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा नेटवर्क होते हैं उसका कम्बिनेशन है उसके बाद फिर वही बात इज डन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड तो भाई जहां जब भी आएगा आपने इंक्रिप्शन को नहीं भूलना डेटा को जब भी प्रोटेक्ट करने की बात आएगी पासवर्ड्स का जिक्र आएगा वो आपकी इंक्रिप्शन है फेसबुक इज अ नेटवर्क फेसबुक सोशल नेटवर्किंग प्रोग्राम है Uh, उसके बाद इज अ फेमस ई मेल प्रोग्राम तो जी मेल जो है वो फेमस ई मेल जी मेल का ताल्लुक ई मेल के साथ है साइबर क्राइम का ताल्लुक जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है पी का एक एम uh, सी सेट करने की करने का एक जो ट्रेंड है ना उसको भी फॉलो किया है तो इस वजह से ये एम सी आसान तो हमें लगते हैं लेकिन जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है साइबर क्राइम अब साइबर क्राइम का ऑल ऑफ दिस इस इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती है जैसे साइबर क्राइम तो आप बहुत से बच्चे ऑल ऑफ दिस की तरफ जाएंगे बहुत से बच्चे जो है वो मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंफ्यूज भी होंगे बहरहाल ये चीजें जो है वो इसमें आती हैं उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन

इसको सुना और उसके बाद इसके आप साथ नोट्स तैयार करें इनशाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो शॉर्टकट की से रिलेटेड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उसमें एक आसानी मैं ये भी पैदा करूंगा कि मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगा